हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम लोग जो है अभी पाराबोला पढ़ रहे हैं, और पाराबोला में प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एक पाराबोलिक कर्व के बारे में डिस्कस किया, और फिर उसके बाद हमने कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखे। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स और बच गए हैं जिसको मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उसी के संदर्भ में मैंने एक क्वेश्चन और आपके बोर्ड में लिखा है, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट द इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस टू बी वाई प्लस सी इज इक्वल जीरो रिप्रेजेंट ए पाराबोला। कहता है कि वो जो कर्व है एक पाराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा प्रूफ कीजिए, और जिसका एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और साथ में उसका वर्टेक्स भी निकालिए। बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन कर्व है, अभी हमको पता नहीं पाराबोला, तो अभी हम लिखेंगे गिवन कर्व। तो यहाँ लिखेंगे गिवन कर्व क्या है जी, तो वाई स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस टू बी वाई प्लस सी इज इक्वल जीरो। चलिए इसको हम लोग सजा देंगे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि दिख रहा है वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर है, तो वाई के परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में सजा देंगे। तो यहाँ क्या करते हैं, देयरफोर ये लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस टू बी वाई रहने दीजिए, और बाकी माइनस टू ए एक्स माइनस सी। वाई को एक तरफ और एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म को अदर साइड भेज देते हैं। चलिए इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस टू इंटू वाई इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। एक्स्ट्रा में बी स्क्वायर लिखा गया लेफ्ट हैंड साइड में, उधर भी लिख दो, तो माइनस टू ए एक्स अब माइनस सी, और यहाँ हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, चलिए इसको हम सजा सकते हैं। इसको लिख सकते हैं वाई प्लस बी का होल स्क्वायर, और उधर क्या हो गया माइनस टू ए कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा एक्स। ठीक है, अगर माइनस कॉमन लिए हैं तो हो जाएगा सी माइनस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस कर दो, और डिवाइडेड बाई टू ए हो जाएगा, ए हम लिख सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स के टर्म में है। ये किस फॉर्म में आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स के टर्म में हो गया। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये इस तरह का फॉर्मेट है, और हमको पता है कि इस तरह के फॉर्मेट में जो भी कर्व रहता है दैट विल बी पाराबोला। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं देयरफोर द अबव कर्व इज पाराबोला होज एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि ये वाई स्क्वायर इजिकल टू फोर एक्स में जो एक्सिस होता है खुद एक्स एक्सिस होता है। तो अगर इसी तरह का फॉर्मेट में है तो ऑब्वियसली इसका जो एक्सिस होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। चलिए आइए अब देयरफोर वर्टेक्स निकाल सकते हैं हम लोग। तो वर्टेक्स क्या होता है, तो यहां पर देख लो ये ही ना है, तो ये हो जाएगा सी माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए, और कॉमा यहां पर कितना हो जाएगा माइनस बी। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। मतलब कुछ नहीं किए, जो गिवन कर्व है इसको हम लोग अरेंज कर लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ वाई स्क्वायर है, मतलब वाई के टर्म में परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो जब भी वाई के टर्म में परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, तो ये फेस आपको दिख रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, इस तरह का चेहरा दिखने का मतलब ये पैराबोलिक कर्व है। तो 100% ये पैराबोला ही है, और क्योंकि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स की तरह है, तो एक्सिस इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और साथ ही साथ इसका हम वर्टेक्स भी पता कर सकते हैं, तो हमको पता है वर्टेक्स क्या होता है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट और यहाँ पर माइनस माइनस बी हो जाएगा, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो वर्टेक्स हो जाएगा सी माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए अपॉन माइनस बी। ठीक है, यह है कहानी। ये कुछ गड़बड़ है क्या, आप थोड़ा सा देख लो, ये आपका जैसे ये माइनस कॉमन लिए थे, तो ये वो सी वाला टर्म जो है आपका ऑलरेडी माइनस में था ना, हाँ, तो सी वाला टर्म प्लस हो जाएगा और बी वाला टर्म प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो एक्चुअली ये हो जाएगा माइनस सी प्लस बी स्क्वायर। अब सही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू ए हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस बी, यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, क्योंकि सी हर हाल में निगेटिव है, तो जिससे मल्टीप्लाई करोगे तो सी आपका निगेटिव हो जाएगा, और बी स्क्वायर क्या पॉजिटिव है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो आपका कर्व दिख रहा है, तो दिस रिप्रेजेंट पाराबोला एंड इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड द वर्टेक्स इज दिस। ओके,
चलो कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस बार एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एक पाराबोला का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला हुज एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, जिसका एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, और वो तीन पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद कह रहा है डिटरमाइन इट्स लेटेस्ट रेक्टम, तो उसका लेटेस्ट रेक्टम भी बताइए। जरा सा गौर कीजिए, इस बार ना वर्टेक्स दिया हुआ है, ना फोकस दिया हुआ है, ना डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, बस सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ पाराबोला बता कीजिए, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि उसका एक्सिस जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, बस इतना दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कि वो तीन पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब उसके कर्व पर का तीन पॉइंट है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए याद करो हमको क्या है कि जब हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे तो वहां पे एक क्वेश्चन आया था, इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू थ्री पॉइंट्स, तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मान लेते थे, और याद कीजिए उस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में तीन अननोन पैरामीटर होता था जीएफसी, और क्योंकि वो तीन पॉइंट से पास करता है तो तीनों पॉइंट को जब हम सेटिस्फाई करते थे तो हमको एक रिलेशन मिलता था जीएफसी के टर्म में, तीन रिलेशन मिलता था, ठीक है, और तीनों को सॉल्व करते थे तो जीएफसी का वैल्यू आ जाता था, और फिर जो भी जीएफसी का वैल्यू आता था उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते थे जनरल इक्वेशन में, तो हमको वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाता था। इस बार भी हमको क्या करना है, यहां भी वही तरह का सिचुएशन है, तो इस बार पाराबोला है और हमको एक जनरल इक्वेशन ऑफ पाराबोला मानना है, और एक जनरल इक्वेशन ऑफ पाराबोला जो है हम लोग को लिखने आना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमको पता है कि उसका एक्सिस डिपेंड करता है, ठीक है, तो हर पारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व होता है वो आपका पाराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अभी जस्ट मैंने बताया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जरा से गौर कीजिए यहां पर भी तीन अननोन है ए बी सी, यही कारण है कि तीन पॉइंट भी आपको दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पाराबोला किस तरह का लेना है तो इसका एक्सिस जो है वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ठीक है, मतलब किस तरह का लेना है, ये लेना है इस तरह का सिचुएशन है, एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं, तो ये क्या लेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो इस बार जो जनरल इक्वेशन ऑफ पाराबोला मानेंगे वो इस तरह से मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे लेट, लेट जनरल इक्वेशन ऑफ पाराबोला कितना मानेंगे जी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए सॉरी एक्स इज इक्वल टू ए वाई का स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस बार जो एक्सिस लेना है वो आपका वाई एक्सिस के पैरेलल लेना है, तो y एक्सिस के पैरेलल चाहिए तो इक्वेशन आपका किसके टर्म में होगा, रुक जाओ y एक्सिस के पैरेलल चाहिए ना, तो ये उल्टा हो रहा है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, तो यहाँ पर भी आपका तीन अननोन हो गया, ठीक है, कौन कौन अननोन है, तो a b c। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो तीन पॉइंट है इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ लिखेंगे सिंस क्या लिखेंगे द गिवेन पॉइंट्स क्या क्या है जी, तो एक 0.4 है और दूसरा 1.9 है और तीसरा कितना है 4.5, क्या कर रहा है lies on इसको मान लो 1 lies on 1, एक नंबर पे लाई कर रहा है, तो therefore सेटिस्फाई करेगा, तो पहले 0.4 तो मतलब x के जगह में 0 और y के जगह में 4, तो यहाँ सीधे हो जाएगा कितना हो जाएगा y के जगह में 4 x के जगह में 0 0 0 प्लस c, इसका मतलब यहाँ c का वैल्यू कितना हो गया 4 पता होगा, इसके बाद 1.9, ठीक है, तो y के जगह में 9 और x के जगह में 1, तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 9, लेकिन c मेरा 4 है तो therefore a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो गया 5 कितना हो गया, फिर 4.5 तो y के जगह में 5 और ये हो जाएगा 4, तो 16a प्लस 4b अब प्लस सी, सी हमको पता है सी कितना है 4, तो अल्टीमेटली यहाँ से 16a प्लस 4b इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1, तो आपके पास ये दो रिलेशन आ गया, ये तो ये हो गया आपका दो नंबर, ये हो गया तीन नंबर, ये हो गया चार नंबर,
तीन नंबर और चार नंबर को सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो ऑन सॉल्विंग सॉल्विंग थ्री एंड फोर, बोलो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू फाइव, और ये हो जाएगा 16a प्लस 4b इज इक्वल टू वन। एक काम करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो b वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 12a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 19। तो देयर फोर ए इज इक्वल टू 19 बाई 12 माइनस में, ठीक है, a का वैल्यू निकल गया। उसी तरह से b हो जाएगा आपका 79 बाई 12। तो दिस इंप्लाई दोनों में से किसी एक में डालोगे तो b का वैल्यू हो जाएगा 79 बाई 12। तो a b c तीनों पता हो गया, तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, पैराबोला का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितना हो जाएगा जी, तो y इज इक्वल टू माइनस 19 बटा 12 एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह में कितना हो जाएगा 79 बाई 12 एक्स, और प्लस सी के जगह में कितना हो गया 4। तो ये जो आपको दिख रहा है यही है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आई होप कि इस तरह का क्वेश्चंस अगर आपके एग्जामिनेशंस में पूछे तो मुझे लगता है कि आप बहुत इजी वे में इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसमें आपका ना फोकस दिया हुआ है, ना डायरेक्ट्रिक्स है, कुछ भी नहीं है। अंतर बस क्या है इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन ये जो पैराबोलिक कर्व है, इस पैराबोलिक कर्व का तीन पॉइंट दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग को जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला मानना है, लेकिन उसमें भी शर्त है, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखना है तो कैसे लिखना है। तो कंडीशन में दिया हुआ था एक्स का जो एक्सिस होगा ये आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के केस में पैरेलल टू वाई एक्सिस है इसलिए इक्वेशन ये लिखा जाएगा वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन वही अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह देता तो इक्वेशन हो जाता एक्स इज इक्वल टू ए वाई का स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। तो एक कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, क्लियर कट कॉन्सेप्ट है आपका। तो अगर मान लीजिए पलट के भी पूछता है क्वेश्चन तो आप आराम से इसको डील कर सकते हैं, ठीक है। तो एक नज़र इसको देखो, फिर एक नए क्वेश्चन के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, एक डिमांड इस क्वेश्चन का और भी था, किसका लेटेस्ट रेक्टम बताइए। तो याद कीजिए इस कर्व का लेटेस्ट रेक्टम कितना था 1/a। तो यहां हम लिख सकते हैं हैंस लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू कितना था 1/a का मॉड, और a हम निकाल चुके हैं, a कितना आया था -19/12। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा यहाँ 12/19 हो जाएगा, यही आपका क्या है लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ निकल गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है यहाँ से कि अगर एक कर्व आपको दिया हुआ है तो आपका अगर ए पता है तो आप लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एक बार में निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाता है 1/mod ऑफ ए आपको पता था तो 1/mod ए निकाल लिए, आंसर आ गया। हेलो हेलो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें जो एक रिज़ल्ट आता है ना, वो रिज़ल्ट आपको एज ए फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है इस पर पूछा जाता है, ठीक है। वो रिज़ल्ट क्या है ये मैं डिस्कस करूँगा, उसके लिए आपको इसमें थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो देखो क्या है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 4 यूनिट। पैराबोला का इक्वेशन पूछ रहा है, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है एक्सिस इज द लाइन, और इस कर्व का जो पैराबोला है उसका एक्सिस दिया हुआ है एंड द टेंजेंट एंड वर्टेक्स दिया हुआ है, मतलब सब चीज़ अलग अलग है, ना फोकस पता है ना डायरेक्ट्रिक्स पता है। पता क्या है एक्सिस का इक्वेशन, पता क्या है टेंजेंट एंड वर्टेक्स का इक्वेशन, और तब आपसे पूछ रहा है कि इस पैराबोला का क्या बता कीजिए, पैराबोला का इक्वेशन बता कीजिए, ठीक है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ, तो उसको बनाते कैसे हैं देख लो। सॉल्यूशन, ये कंप्लीटली फिगर बेस्ड सवाल है और एक रिजल्ट है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। जरा सा गौर कीजिए, इस लाइन को अगर हमको ट्रेस करना हो तो x आपका कहाँ है, x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव क्योंकि 4 इधर चल जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव पे कट करेगा, तो जो एक्सिस होगा ये एक्सिस हो जाएगा ए एक्स आई एस एक्सिस,
और डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी वर्टेक्स, टेंजेंट एंड वर्टेक्स, जरा सा गौर कीजिए, ये 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल 0 और ये 4x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल 0। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में परपेंडिकुलर है क्योंकि इसका स्लोप है माइनस 3/4 और इसका स्लोप है 4/3, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है x पॉजिटिव पे कट कर रहा है, सॉरी x नेगेटिव पे कट करेगा और y जो है पॉजिटिव पे कट करेगा, तो ये लाइन हो जाएगा। तो ये लाइन है आपका टेंजेंट एंड वर्टेक्स, जो कि है आपका 4x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल 0, और ये आपका एक्सिस है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल 0। क्योंकि ये टेंजेंट एंड वर्टेक्स है तो जो चेहरा होगा वो या तो उधर होगा या तो इधर होगा, तो इधर हम किधर भी ट्रेस कर सकते हैं, तो मान लो कि इधर हम ट्रेस कर लिए, ठीक है। तो यही आपका एक पाराबोला है जिसका इक्वेशन हमको पता करना है, ठीक है। चलिए, फोकस कहीं ना कहीं होगा, तो ये मान लो यहां फोकस है आपका, ठीक है। तो करते क्या है कि इस पाराबोलिक कर्व में कोई एक वेरिएबल पॉइंट लेते हैं पी, क्योंकि लोकस निकालना है, तो एक्स कॉमा वाई मान ली, और उस पी से हम लोग क्या करते हैं एस को मिला देते हैं, ठीक है। और फिर उसी पी से हम लोग क्या करते हैं एस को नहीं मिलाते हैं, यहां पर कोई होगा, यहां पे फोकस परपेंडिकुलर लेते हैं, सपोज दैट यहां मान लो फोकस है उसका, ठीक है, ये किसी पॉइंट पे होगा, मान लो ये पीएम हो गया, और उसी पॉइंट से हम लोग टेंजेंट एट वर्टेक्स पर भी परपेंडिकुलर डालते हैं, मान लो ये एन हो गया, ठीक है। क्या क्या पता है इसमें, एक्सिस का इक्वेशन पता है और टेंजेंट एट वर्टेक्स पता है। यहां हम लिख सकते हैं क्या दिया हुआ है यहां पे, एल आर कितना दिया हुआ है 4 यूनिट, ये दिया हुआ है। टेंजेंट एट वर्टेक्स लिख लो, टेंजेंट एट वर्टेक्स ये कितना है जी, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल 0। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना है, एक्सिस का इक्वेशन ये है आपका 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल 0। तो ये जो पाराबोला होगा इसका इक्वेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पाराबोला इज क्या होता है, तो ये हो जाता है पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एल आर लेटस रेक्टम पी एन, ये फॉर्मूला हो जाता है। क्या फॉर्मूला हो जाता है, पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू लेटस रेक्टम इंटू पी एन। पी एम कैसे निकालेंगे, तो इस पी से इस एक्सिस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, तो सीधा सीधी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 4 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये लिख सकते हैं 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट, ये आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, और इतना का स्क्वायरिंग कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू एल आर लेटस रेक्टम का लेंथ कितना है, तो ये 4 यूनिट इंटू पी एन, पी एन क्या होगा फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x माइनस 3y प्लस 7 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट और यह मॉड। तो ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है यही आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ पाराबोला है। तो ये रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, और ये क्वेश्चंस जो है भी आई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में टेंजेंट एट वर्टेक्स पता है, इस क्वेश्चन में एक्सिस का इक्वेशन पता है और लेटस रेक्टम का लेंथ दिया हुआ है। तब जो इक्वेशन ऑफ पाराबोला होता है वो होता है पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू लेटस रेक्टम पी एन। पी एम मतलब किसी भी एक वेरिएबल पॉइंट से एक्सिस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, और पी एन मतलब उस वेरिएबल पॉइंट से टेंजेंट एंड वर्टेक्स पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकालने आता है, ये हम लोग स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है जो कि आपको आना चाहिए, अगर आपको ये याद है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। आपको बता दें ये क्वेश्चंस ऑलरेडी किसी ना किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए एक नज़र इसको देखिए, हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को मैं यही क्लोज करता हूँ और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।